हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं हूं दिव्यांश अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं टेक यूनिवर्सिटी आज मैं आप लोगों से एक और डेटा साइंस कोर्स के बारे में बात करने वाला हूं जो एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफर करता है जिसका नाम है मास्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको प्रोग्राम ओवरव्यू के बारे में करिकुलम के बारे में एडमिशन्स क्राइटेरिया क्या है प्रोग्राम फीस क्या है स्कॉलरशिप ऑप्शन है या नहीं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना सब कुछ जानने के लिए एंड पसंद आए तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो शेयर कीजिए जो डेटा साइंस कोर्सेस ढूंढ रहे हैं अगर बात करें एस पी जैन स्कूल की तो ये एक बहुत ही फेमस स्कूल है इंडिया में एम बी ए के लिए अगर आई एम्स को एक मान लिया जाए तो एस पी जैन स्कूल जो एम बी ए के लिए टॉप टेन में आता है एंड मोर स्पेसिफिकली फॉर मार्केटिंग ये बहुत फेमस है और ये जो कोर्स है एम का इन लोगों ने ये पहली बार 21 में निकाला है तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कोर्स भी उसी लेवल का होगा बहुत अच्छा कोर्स होगा तो देखते हैं इस कोर्स के बारे में और ये कोर्स में तीन फ्लेवर में आपको ये लोग प्रोवाइड करते हैं इनके चार कैंपस है वर्ल्ड वाइड दुबई मुंबई सिंगापुर एंड सिडनी तो उसी के बेसिस पे इन लोगों ने तीन डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं आपको या तो आप दुबई में पढ़ लीजिए या तो आप सिडनी में पढ़ लीजिए या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं तो अगर देखें इसके बारे में तो दुबई में पढ़ने के लिए आपको अक्टूबर 21 में ही स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको नवंबर 21 में स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम एंड सिडनी में स्टार्टिंग फ्रॉम फेबर 2022 ऑन द कंडीशन कि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए खुल जाएँ अगर बात करें इस प्रोग्राम ओवरव्यू की तो टू ईयर फुल टाइम डिग्री है इवन अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको फुल टाइम ही देना पड़ेगा ये पार्ट टाइम नहीं है कि आप जॉब के साथ ये कोर्स कर सकते हैं तो ये उन लोगों के लिए नहीं है एंड अंडर ग्रेजुएट डिग्री एक ईयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड आपको एक ऑस्ट्रेलियन डिग्री मिलेगी इसमें तो आपको जो डिग्री मिलने वाली है वो एस पी जैन ऑस्ट्रेलिया से मिलेगी ना कि एस पी जैन इंडिया से तो आपके पास एक इंटरनेशनल डिग्री होगी आपके पास डेट्स की अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तो इंटेक्स के लिए इस समय एप्लीकेशन ओपन है सेप्टेम्बर ट्वेंटी तक किसी भी ऑप्शन में आपको जाना है तो ट्वेंटी फोर्थ तक की डेडलाइन है आप चाहिए जाके अप्लाई कर दीजिए कोर्स को एवेलुएशन डेट होगी आपके प्रोफाइल की ट्वेंटी फिफ्थ और ट्वेंटी सिक्स को तो

डेलप होगी डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होंगी कम्युनिकेशन एंड टीम परफॉर्मेंस स्किल्स डेवलप होंगी ये सब चीजें आपकी है रिसर्च मैथड कॉम्पिटेंस भी डेवलप होगा इनफैक्ट बिकॉज यहाँ पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी लोग कराएंगे इस कोर्स में एंड करियर रेडी तो आपके पास क्या करियर ऑप्शन होंगे तो आप करियर बना सकते हैं कंप्यूटेशनल एडवर्टीजिंग में रिकमेंडेशन सिस्टम्स में स्मार्ट लॉजिस्टिक सिस्टम्स में चर्न मैनेजमेंट चर्ट प्रशन आज के जमाने में बिजनेस में बहुत हॉट टॉपिक है एंड फाइनेंशियल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया फ्रॉड डिटेक्शन हो गया तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर uh, बात करें करिकुलम की तो आपका जो टू इयर्स है, है उसमें आपके थर्टी फोर क्रेडिट जो है वो सब्जेक्ट होंगे फोर क्रेडिट्स होंगे आपके माइनर कंसंट्रेशन या तो आप डिजिटल मार्केटिंग चूज कीजिए या फिर आप डिजिटल लॉजिस्टिक्स चूज कीजिए दो क्रेडिट्स का आपका एक इलेक्टिव रहेगा दो क्रेडिट्स का आपका एक बिजनेस प्रोजेक्ट रहेगा एंड फोर्थ क्रेडिट्स का आपका एक कैप प्रोजेक्ट रहेगा तो टोटल फोर्टी सिक्स को कंप्लीट करने विद इन द्लान ऑफ टू ईयस एंड असेसमेंट मैथड ऐसा है कि आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी जैसे कि केस स्टडीज है एक्सरसाइजेस हैं एक्जिबिशन है असाइनमेंट ग्रुप प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन रिपोर्टेशन उसके अलावा एक फाइनल एग्जामिनेशन तो हर सेमेस्टर में हो रही है तो वो रह गई Now, अगर बात करें कोर्सेज की तो कि कोर्सेज क्या क्या है यहाँ पर तो यहाँ पर छह टर्म्स में ये स्प्रेड है एंड फर्स्ट टर्म में आप देख लीजिए चार कोर कोर्सेज हैं सारे जो हैं आपके डेटा साइंस एंड ए से रिलेटेड हैं टर्म टू में आपके सारे कोर कोर्सेज हैं कुछ वन क्रेडिट्स के हैं कुछ टू क्रेडिट्स के हैं तो मशीन लर्निंग और इन सब तरीके की चीज़ों के जो कोर्सेज है वो टू क्रेडिट्स के हैं और जो एम वाली साइड के जो सब्जेक्ट हैं जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग हो गया ये सब एक एक क्रेडिट के हैं और उसके अलावा टर्म थ्री में भी आपके सारे कोर कोर्सेज ही हैं जिसमें कि आपके न्यूरल नेटवर्क्स है एनएलपी है डेटाबेस मैनेजमेंट है कॉर्पोरेट फाइनेंस मार्केटिंग मैनेजमेंट इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं टर्म फोर में आपके चार सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके तीन तो एआई के सब्जेक्ट्स हैं बेस्ड ऑन बिजनेस एंड एक सब्जेक्ट है है आपका जो बिजनेस प्रोजेक्ट होगा दो क्रेडिट का टर्म फाइव में भी आपके तीन है, कोर्सेज हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी डिजाइन एंड क्रिटिकल थिंकिंग एम्बेडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स तीनों कोर है एंड आपके पास फिर एक ट्रैक वन या ट्रैक टू जैसे मैंने बताया डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग या लॉजिस्टिक्स दो ऑप्शन है आपके पास तो आप ये लोग देख सकते हैं आपको कौन सा चूज करना है टर्म सिक्स में आपको इन दोनों सब्जेक्ट में से एक चूज करने जो इलेक्टिव दे रखे हैं एंड एक सब्जेक्ट जो है आपका कैप्सोन प्रोजेक्ट है जो फोर क्रेडिट्स का है तो टोटल कुल मिला के आपके फोर्टी सिक्स क्रेडिट हो गए यहाँ पर ना बात करें एडमिशन की तो एप्लीकेशन यार इस समय ओपन है सेप्टेबर ट्वेंटी तक आप जाके अप्लाई कीजिए आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग अगर होनी है तो ट्वेंटी फिफ्थ को आपको वो मिल जाएगा उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए जिसमें अपने फोर यूनिट्स ऑफ मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग साइंस और अनदर अदर क्वान्टिटेटिव डिसिप्लिन आपने पढ़े हूँ तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर कोई थ्री ईयर फोर ईयर की वैलिडिटी नहीं है तो यहाँ पर थ्री ईयर वाले भी एलिजिबल हैं आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशियंसी की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशियंसी जरूरत है इवन इंडियन स्टूडेंट्स को भी बिकॉज उनको एक इंटरनेशनल डिग्री मिलेगी तो तीन टेस्ट कोर्स जो है वहां पर एक्सेप्ट किए जाते हैं आयल्स टॉफल तो हर जगह कॉमन होता ही है एक पीएर्स टेस्ट भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है तो आयल्स में आपको ओवरऑल स्कोर सिक्स पॉइंट फाइव का चाहिए टॉफल आई बी टी में आपको सेवेंटी का स्कोर चाहिए और वन ट्वेंटी बहुत ही लीनियंट है जनरली बाहर की यूनिवर्सिटीज नाइनटी फाइव तक का स्कोर एक्सपेक्ट करती हैं और पीटीई में आपको ओवरऑल स्कोर चाहिए सिक्सटी का एंड उसके अलावा अगर आप सिडनी कैंपस को ऑप्शन चूज करते हो तो उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया हो सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का वीजा ऑप्टेन करने के लिए एक मिनिमम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो डिफरेंट हो सकती है इनसे तो आप वो आपको चेक करना पड़ेगा ये लिंक मैं पास कर दूंगा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और टेस्ट स्कोर जो है वो दो साल से पुराना नहीं होना चाहिए बिकॉज यही एक ऑस्ट्रेलिया की वीजा की मिनिमम रिक्वायरमेंट है बात करें अगर हाउ टू अप्लाई की तो आपको सबसे पहले सबमिट करनी है आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन कहीं जाने की जरूरत नहीं है ये अप्लाई लिंक मैं ये भी वीडियो में पास कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में एंड पर्सनल इंटरव्यू आपका उसके बाद होगा उसमें आपका देखा जाएगा कि आपके मैथमेटिकल और एनालिटिकल एप्टीट्यूड क्या है तो एप्टीट्यूड के, के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स तो यार हर इंटरव्यू में गेज की जाती है एंड सब्जेक्ट नॉलेज तो डेटा साइंस ए के बारे में आपको नॉलेज है तो वो भी आपकी देखी जाएगी इसमें एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको एक नॉन रिफ़ंडेबल इवेलुएशन फ़ी जो है आपको देनी होगी जो कि फोर्टी फाइव हंड्रेड आई है एंड उसके बाद आपको जो है रिजल्ट मिल जाएंगे विद इन फाइव टू सेवन वर्किंग डेज़ जब आपका इंटरव्यू होगा उससे फाइव टू सेवन वर्किंग डेज़ में आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे बात करें फ़ीस की तो फीस जो है वो आपके तीनों प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग है तो सबसे पहले दुबई की बात करते हैं दुबई में आपकी जो टोटल ट्यूशन फीस है वो थर्टी एट थाउजेंड टू सेवेंटी थ्री यू डॉलर्स है उसके अलावा कुछ कंपलसरी नॉन ट्यूशन फीस हैं जैसे कि आपकी वीजा चार्जेस है कोर्स मटेरियल है ये सब चीजें हैं तो आपकी वो सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड डॉलर को हो जाती है एंड सिंस ये जो प्रोग्राम है ट्वेंटी वन में ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तो ये लोग इनग्रोबल डिस्काउंट दे रहे हैं ट्वेंटी परसेंट का ऑन ट्यूशन फीस तो वो डिडक्ट हो जाएगी तो आपकी टोटल जो फीस हो जाएगी इंक्लूडिंग ट्यूशन एंड नॉन ट्यूशन तो वो हो जाएगी थर्टी एट थाउजेंड थर्टी फोर यूएस डॉलर जिसको कि हम लोग अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो वो करीब करीब अट्ठाईस लाख चौबीस हज़ार आई एन आर आ जाता है एंड उसके बाद अगर देखिए तो आपको एक लैपटॉप की भी जरूरत होगी क्योंकि ये लोग बोलते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप लैपटॉप अपना लाएं क्योंकि ये लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे आप अपने लैपटॉप पे ही काम करेंगे एंड लिविंग कॉस्ट के लिए एक बहुत ही सिंगल लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप दुबई में आप रहना चाहते हैं तो यू वुड वुरोमेटली स्पेंड से हंड्रेड धरम्स ऑन लिविंग कॉस्ट इंक्लूडेड फूड एंड ट्रेवल्स सेवन हंड्रेड दिरम्स को अगर हम लोग आ, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लें तो वो करीब करीब फोर्टीन थाउजेंड इंडियन रुपीज हो जाता है तो आपको एक महीने का फोर्टीन थाउजेंड का खर्चा आ जाएगा एंड दैट टू इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लाइफ स्टाइल तो आप इससे कम में भी काम कर सकते हैं इससे ज्यादा में भी काम कर सकते हैं पेमेंट टाइमलाइन की अगर बात करें ईयर वन में आपको जो है सितंबर 15 से पहले पहले ही देनी है अगर आप अप्लाई करते हो शॉर्टलिस्ट होते हो तो अगर आपने मन बनाया है पढ़ने का तो ईयर वन की जो फीस है आपको सितंबर 15 से पहले देनी होगी और ईयर टू की जो फीस है वो अगस्त 31 2022 से पहले देनी होगी एंड उसके अलावा आपकी कुछ नॉन ट्यूशन फीस और भी हैं जो नॉन मैंडेटरी है वो उस केस में इसमें अगर आप किसी सब्जेक्ट को फेल कर जाते हो आपको रीटेस्ट देने पड़ते हैं तो वो सब फीस हैं उन सब फीस के बारे में मैं, मैं बात नहीं करूँगा बात करें अगर ऑनलाइन ऑप्शन की तो ऑनलाइन ऑप्शन के लिए आपको जो टोटल फीस आफ्टर डिस्काउंट है वो पड़ेगी थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स फोर्टी यूएस डॉलर जिसको हम लोग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी टू थाउजेंड के करीब और इसमें भी आपको लैपटॉप अपना ही यूज करना पड़ेगा एंड ऑबियसली कोई लिविंग कॉस्ट नहीं आ रही है तो आपकी यही एक कॉस्ट है एडिशनल नॉन ट्यूशन फीस वही है उसी तरीके से जैसे दुबई वाले कैंपस के लिए थी अगर बात करें सिडनी की ऑस्ट्रेलिया की तो इसमें आपकी जो टोटल ट्यूशन फीस बैठ जाती है आफ्टर डिस्काउंट वो आ जाता है फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जिसको हम लोग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो करीब करीब इकतीस लाख रुपए बैठ जाता है ये एंड उसके अलावा एक पंद्रह सौ पचास यू ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस भी है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो आपके ऊपर है लैपटॉप अगेन आपको अपना लाना है एंड लिविंग कॉस्ट की अगर इन लोगों ने बात करी है तो एक अप्रॉक्सीमेशन दे रखा है सिक्स हंड्रेड पर मंथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको खर्चा आ सकता है जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में तो थर्टी टू थाउजेंड आई एन आर हो गया तो थर्टी टू थाउजेंड आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक महीने का खर्चा आप ऑस्ट्रेलिया में रहने का मोर स्पेसिफिकली सिडनी में रहने का एंड इसके लिए पेमेंट टाइमलाइन इसके लिए अलग है ईयर वन की फीस

चाहे टेंथ हो ट्वेल्थ हो ईच ईयर ऑफ ग्रेजुएशन स्पेसिफिकली सब में सेवेंटी फाइव परसेंट आपकी मेंटेन होनी चाहिए टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन है तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है वो भी कंसिडर किया जाएगा सोशल सर्विस स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं तो वो किया जा सकता है एंड इंटरव्यू परफॉर्मेंस अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया तो आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है एंड उसके अलावा डाइवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी हैं जो अंडर रिप्रेजेंटेड कंट्रीज़ और रीजन से आते हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्राम अफ्रीका मे बी और फ्राम अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ लाइक नेपाल पाकिस्तान ये सब कंट्रीज़ हैं यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी के बेसिस पर यहाँ पर आपको बहुत स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं तो आप लोग ये देख सकते हैं ऑप्शन एंड डिटेल्स विल बी शेयर लेटर उन्होंने साफ साफ लिखा है तो ये टोटली बेस्ड ऑन एडमिशन है यहाँ पर आपको कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं फाइल करनी है अगर आपकी प्रोफाइल इनको पसंद आती है तो आपके ऑफर लेटर में ही साथ साथ ये लोग जो है आपको स्कॉलरशिप्स uh, दे देंगे ना अभी भी कुछ क्वेश्चन रह सकते हैं जो ऐसे हैं जो रह गए हैं तो मैं एफिक्यूज में डिस्कस करूंगा उनको ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ तो कुछ जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूंगा जैसे की डज एस पी जैन ऑफर करियर असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स ये सर्विस ऑफिस हैं इनके दुबई इंडिया सिंगापुर सिडनी चारों कैंपस पर तो आपको जो करियर अपॉर्चुनिटीज ये लोग हेल्प करेंगे भाई फुल टाइम का कोर्स है तो यहाँ पर ये लोग आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली फाइंड करेंगे कैंपस लाइफ की बात करें तो इन्होंने इसमें क्वेश्चन दिया है कि स्टूडेंट अकोमोडेशन कंपलसरी और कैन आई ऑर्गेनाइज माय ओन हाउसिंग तो स्टूडेंट अकोमोडेशन मैंडेटरी नहीं है आप ऑफ कैंपस रहना चाहते हैं तो आप ऑफ कैंपस भी रह सकते हैं एंड जनरली ऑफ कैंपस में आपका खर्चा कम आएगा डी जैन प्रोवाइड ऑन कैंपस मील इज वेजिटेरियन फूड अवेलेबल फिर भी अगर आप एस पी जे के कैंपस पे रहना चाहते हैं ऑन कैंपस लाइफ जीना चाहते हैं ऑन कैंपस मील्स भी मिलती हैं पर एंड वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है ऐसा इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कैफेटेरिया इनका है तो तो ये था इस प्रोग्राम के बारे में अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्लीज अप्लाई कीजिए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगली बार मैं एक और डेटा साइंस कोर्स के बारे में आप लोगों से बात करूंगा तब तक के लिए और वाह